बचपन से ही ये सोचती थी कि समाज के अंदर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं और जो हरियाणा के समाज में महिलाओं का दोयम दर्जा है, उसके खिलाफ कुछ काम करना चाहिए। और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए मैं SFI स्टूडेंट यूनियन जो हरियाणा के अंदर सक्रिय है उसके साथ जुड़ी, और उसके साथ जुड़ते हुए ही मैं एडवा से जुड़ी। और आज के समय में हरियाणा के अंदर जो जनवादी महिला समिति काम कर रही है वो ज़मीनी स्तर के ऊपर महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति और महिलाओं के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करती है। और हरियाणा के अंदर विशेष तौर पे हम देखेंगे तो ऑनर किलिंग और ऑनर किलिंग से संबंधित जो दूसरी समस्याएं हैं, दूसरे ऑनर क्राइम्स हैं, उनके खिलाफ जनवादी महिला समिति मुख्य तौर पे लड़ाई लड़ती है। हरियाणा के अंदर जो छोटी छोटी बच्चियों से लेकर जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनके साथ भी जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं उसके खिलाफ भी हरियाणा में जनवादी महिला समिति का संघर्ष रहा है। पिछले दिनों में हरियाणा के अंदर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला, उनके बेटे विकास बराला के द्वारा जो लड़की का वर्णिका कुंडू जो IAS ऑफिसर की बेटी थी उनके साथ छेड़छाड़ और उनके अपहरण की कोशिश की गई, जिसके खिलाफ हमारे संगठन ने वहाँ पूरा मोर्चा खोला और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और लंबे समय तक उनको जमानत नहीं मिली। और इस तरह के जो मामले हरियाणा के अंदर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें भाजपा और RSS और इनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं वो लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, और जो सरकार का वहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो भी खोखला साबित हुआ है। अभी आप पिछले दिनों में देखोगे कि जो स्कूली लड़कियां हैं उन्होंने स्कूल अपग्रेडेशन की मांग को लेके लंबे आंदोलन वहाँ लड़े हैं, जिसके बाद 122 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। छोटी बच्चियों से लेके जो बड़ी उम्र की महिलाएँ हैं वो सब आंदोलनों के अंदर हैं, वो अपना समाज के अंदर जो उनका दर्जा है उसको बदलने की जद्दोजहद उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। हरियाणा के अंदर महिलाएं लड़कियां खेलों में शिक्षा के अंदर सभी क्षेत्रों में आगे आ रही हैं, लेकिन जो समाज का जो पितृसत्तात्मक ढांचा है वो उनको लगातार दबाए रखना चाहता है, जिसके खिलाफ वहाँ असर्शन लड़कियों में युवा लड़कियों में विशेष तौर पे बढ़ी है और वो इसके खिलाफ आगे आके बोल रही हैं, जिससे हमारा संगठन भी वहाँ और ज़्यादा मजबूत हुआ है और हम और ज़्यादा मजबूती के साथ जो हमारे नागरिक अधिकार हैं उनको लेके और शोषण के खिलाफ और समानता की जो लड़ाई है वो मजबूती से लड़ रहे हैं।